सो हेलो गाइस, एक और वीडियो के अंदर स्वागत है आपका। आज का वीडियो जो होने वाला है 4 बेडरूम बने हुए बहुत ही खूबसूरत तरीके के बने हुए विलाज का वीडियो होने वाला है, जो कि लोकेटेड है मेन अजमेर रोड से मात्र 210 मीटर दूरी पे। अगर मैं मेन लोकेशन बताता हूँ, केडिया पंचवटी आपने सुना होगा, उसके बिल्कुल बैक साइड में बने हुए हैं। साथ साथ में अगर मैं बताऊँ हीरापुरा पावर हाउस के बिल्कुल सामने की तरफ ये लोकेटेड यहाँ पे होने वाले हैं। देखिए, यहाँ पे 4 विला हम लोगों ने यहाँ पे डेवलप किए थे, इनमें से 2 सोल्ड आउट हो चुके हैं, 2 विला यहाँ पे बचे हुए हैं। मैं उसका पूरा ही कंप्लीट ट्यूर आऊँगा, कैसे क्या बने हुए हैं, डायमेंशन लगभग 125 वर्ग गज के अंदर बने हुए हैं, डायमेंशन साइज प्राइस सबकी ही बारे में बातें करेंगे अपन। आपको फ्रंट एलिवेशन दिखा के फिर मैं आपको पूरा ही ट्यूर आऊँगा। तो चलिए एक बार फ्रंट एलिवेशन देखते हुए अपन देखेंगे कि कैसे क्या ये बने हुए हैं। तो चलिए आइए। तो फ्रेंड्स, देख पा रहे हैं आप कुछ इस तरीके से बहुत ही खूबसूरत तरीके के फ्रंट एलिवेशन के साथ आपको यहाँ पे विला बनाए दिखाई दे रहे होंगे, जो कि 4 विला जैसे मैंने बताया था यहाँ पे बने हुए हैं। 2 सोल्ड आउट है, 2 यहाँ पे अवेलेबल है। देखिए, प्राइस डायमेंशन सब बताऊंगा, लेकिन वीडियो पे नए हैं, चैनल पे नए हैं, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही शानदार वीडियोज़ के प्रॉपर्टीज़ के वीडियो आपके लिए हमेशा लाते रहते हैं। अगर आप चाहते हैं बुक करना है, फिर चाहते हैं विजिट करना, तो नंबर मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं बिल्डर के प्रतिनिधि के, वहाँ जाकर डायरेक्टली आप कॉल कर पाएंगे और अधिक जानकारी वहाँ से आप प्राप्त कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं कैसे क्या ये बने हुए हैं। देखिए, सबसे खूबसूरती की बात यहाँ पे ये हो जाती है कि आपकी 2 गाड़ी की इजीली पार्किंग भी आपको मिल जाती है, लेकिन मेन जो डोर है वो कुछ इस तरीके से आपको फोल्डेबल ये गेट है। साथ साथ में इधर सिंगल यहाँ पे एक डोर दिया गया है, जो कि आयरन का काफ़ी मजबूत तरीके से बनाया हुआ ये गेट आपको यहाँ पे दिखाई देने वाला है। स्टेयर जैसे मैंने बताया आपको बाहर की तरफ से यहाँ मिलने वाली है, लेकिन देखिए ये जो मैंने बताया पोर्च का स्पेस, 2 गाड़ी ईजिली आपकी आराम से यहाँ पे आप पार्क कर पाएंगे। इसमें भी यहाँ पे देख पा रहे होंगे टाइल्स का काफ़ी खूबसूरत तरीके से काम आपको यहाँ पे दिखाई देने वाला है। साथ ही बात करें यहाँ पे वाटर टैंक के प्रोविजन की, तो लगभग 5 से 6 हज़ार लीटर की कैपेसिटी के साथ वाटर टैंक का प्रोविजन मिल जाता है, और कुछ खूबसूरती के साथ यहाँ पे आपको ग्रीनरी का प्लांटेशन करके दिया गया है, क्योंकि काफ़ी अच्छा यहाँ पे दिखाई देने वाला है। स्टेयर्स मैंने बताया आपको, यहीं से बाहर की तरफ से आपको ऊपर जाने के लिए स्टेयर मिलती है। एक एंट्री जो कि गेस्ट रूम में यहाँ पे होने वाली है वो कुछ इस तरीके से इस तरफ होने वाली है, और एक जो मेन एंट्री है वो आपको कुछ ऐसे पैसेज के साथ आपको मिल जाती है अंदर आने के लिए यहाँ पे। देखिए, इस पैसेज का फ़ायदा ये हो जाता है, अगर आप चाहें यहाँ पे रैक्स वगैरह बनवाना छोटी, तो वो रैक्स वगैरह भी आप इजीली यहाँ पे बनवा पाएंगे। ये देखिए, आ गए हम इसके डायरेक्टली डाइनिंग और ड्राइंग एरिया में। डाइनिंग ड्राइंग एरिया का स्पेस काफ़ी बड़ा स्पेस, देखिए कितना बड़ा स्पेस यहाँ पे निकाला गया है, काफ़ी अच्छे स्पेस के साथ इसको डिज़ाइन यहाँ पे किया गया है। नीचे टाइल्स का कॉम्बिनेशन देखिए, काफ़ी प्यारे तरीके से टाइल्स का कॉम्बिनेशन यहाँ पे किया गया है। ऊपर की तरफ फॉल सीलिंग, साथ साथ में जो आप देख पा रहे हैं लैंप्स वगैरह के डिज़ाइंस है, वो भी काफ़ी खूबसूरत तरीके से यहाँ पे आपको बना के दी गई है। इस वॉल पे देखते हैं तो काफ़ी प्यारा गोल्डन थीम का वॉलपेपर आपको दिखाई देने वाला है, जो कि देखिए कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे मिलने वाला है। फिर देखते हैं डाइनिंग ड्राइंग एरिया के इस तरफ, तो यहाँ पे टीवी पैनल का स्पेस, जो कि वुडन का स्पेस यहाँ पे निकाला गया है, वुडन में टीवी पैनल का स्पेस दिया गया है। LED लाइट्स के साथ काफ़ी अच्छे प्यारे कॉम्बिनेशन के साथ इसको भी यहाँ पे डिज़ाइन किया गया है। ये विला देखो, मेरे को काफ़ी पर्सनली काफ़ी खूबसूरत लगा, 125 वर्ग गज के अंदर इस लोकेशन में इस रेट में काफ़ी अच्छी चीज़ आपको यहाँ पे मिलने वाली है। तो अभी देखते हैं सामने की तरफ जो एक गेस्ट रूम है उसका लुक हम देख लेते हैं, वो कैसे क्या बना हुआ है। लेकिन देखिए, चैनल पर नए हैं, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही शानदार वीडियोज़ आपके लिए हमेशा लाते रहते हैं। और चाहते हैं बुक करना तो बिल्डर के नंबर मैंने दे दिए हैं। इस तरफ देखिए, इस वॉल पे आप प्यारा सा वॉलपेपर का काम आपको इस वॉल पे दिखाई देगा। 12x12 के आसपास आपको यहाँ पे रूम ये मिल जाता है। इस रूम में यहाँ पे कवर्स का स्पेस निकाला गया है, जो कि वुडन का काम किया गया है, काफ़ी अच्छी पॉलिश के साथ आप सनमाइका यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ऊपर और नीचे दोनों तरफ यहाँ पे दिखाई देने वाला है। इस तरफ देखते तो यहाँ पे विंडो को प्रोविजन मिल जाता है आपको, जो कि वेंटिलेशन टोस वेंटिलेशन हमेशा आपके यहाँ पे बना रहे। फॉल सीलिंग के डिज़ाइन भी यहाँ पे दिखा दीजिए, काफ़ी प्यारी फॉल सीलिंग की डिज़ाइन यहाँ पे करके आपको दी गई है। बात की जाए AC फिटिंग की, तो हर जगह जहाँ जहाँ नीड है AC फिटिंग भी आपको मिलने वाली है। यहाँ डाइनिंग ड्राइंग एरिया में अटैच आपको एक मिलता है वॉशरूम। वॉशरूम में देखिए काफ़ी अच्छे टाइल्स का कॉम्बिनेशन, साथ साथ में जो हैंड वॉश के लिए प्रोविजन काफ़ी प्यारे तरीके से यहाँ पे दिया गया है। और वॉशरूम साइजेस देखिए, काफ़ी अच्छी वॉशरूम साइज यहाँ पे वेस्टर्न सीट के साथ दी गई है, और वेंटिलेशन के लिए पूरा परफेक्ट यहाँ पे ध्यान रखा गया है। तो फ्रेंड्स, अभी हमने देखा डाइनिंग ड्राइंग, देखा एक रूम देखा, अब चलते हैं हम डायरेक्टली किचन। किचन अपना ओपन किचन यहाँ पे रखा गया है, चाहे आप तो यहाँ पे इसको बंद भी कर सकते हैं आप सेपरेटली, सिर्फ इस यहाँ से बंद कर पाएंगे, क्योंकि इस तरफ यहाँ पे रूम का गेट आपको यहाँ मिल जाता है। बट अगर ओपन रखते तो फायदा है इसमें, तो मैं बताऊंगा कैसे फायदा है। एल शेप में यहाँ पे किचन यहाँ पे दिया गया है, इसमें ग्रेनाइट का टॉप, साथ साथ में टाइल्स का काफ़ी हाइट तक वर्क किया गया है। इसका फायदा ये हो जाता है कि कुछ खाना बनाते इसमें छींटे वगैरह लगे तो इजीली आप उनको वॉश यहाँ पे कर पाएंगे। मॉड्यूलर चिमनी यहाँ पे लगा के दी गई, पूरा ही फुली मॉड्यूलर किचन आपको यहाँ पे बना के दिया गया। सामने वेंटिलेशन के लिए विंडो आपको परफेक्ट दी गई है, और देखिए कैबिनेट्स वगैरह जो है कंप्लीट यहाँ पे करके आपको दिए गए। किचन के बाहर की तरफ देखते हैं तो कुछ इस तरीके से आपको प्यारी सी डिज़ाइन यहाँ पे करके दी गई, जो काफ़ी खूबसूरती इसकी यहाँ पे बढ़ाती है। फिर देखते हैं ये मास्टर बेडरूम भी काफ़ी अच्छे तरीके से इसको यहाँ पे बनाया गया है। इस वॉल पे आप देख पाएंगे
काफी खूबसूरत तरीके से वॉलपेपर का काम आपको यहाँ पे दिखाई देने वाला है। और यहाँ पे देखते हैं कबर्ड्स के स्पेस की बात करते हैं तो ऊपर और नीचे दोनों तरफ यहाँ पे भी कबर्ड्स का स्पेस आपको मिल रहा है। इस तरफ देखते हैं विंडो का प्रोविजन, तो यहाँ पे अगर आप चाहें कूलर वगैरह लगाना, वैसे तो यहाँ पे ऐसी फिटिंग हर जगह दी गई है, बट आप कूलर वगैरह लगाना चाहें तो वो भी आप इजीली यहाँ पे लगा पाएंगे। और ये मिल जाता है आपको टीवी पैनल का प्यारा सा स्पेस और साथ साथ में एसी फिटिंग ऊपर की तरफ आपको दिखाई देने वाली है। बैकयार्ड का स्पेस भी काफ़ी खूबसूरत यहाँ पे दिया गया है, वॉशेबल एरिया के हिसाब से काफ़ी अच्छा स्पेस यहाँ पे निकाल के दिया गया है। देखिए काफ़ी प्यारा स्पेस है, ऊपर की तरफ आप देख पा रहे हैं जाल लगा के दिया गया है जिससे कि सिक्योरिटी पर्पज काफ़ी अच्छा यहाँ पे हो जाता है। आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं और कैसे क्या चीज़ें यहाँ पे मिलने वाली है। इस रूम में यहाँ पे एक अटैच वॉशरूम है जो कि वेस्टर्न सीट के साथ यहाँ पे दिया गया है और यहाँ पे टाइल्स वगैरह कॉम्बिनेशन यहाँ पे भी आप देख पाएंगे काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे इसको बनाया गया है। तो फ्रेंड्स अभी हमने देखा कम्प्लीट नीचे दो बेडरूम जो बने हुए थे वो हमने देखे, साथ साथ में डाइनिंग ड्राइंग एरिया का स्पेस हम देख चुके हैं और किचन का स्पेस भी हम देख चुके हैं। देखिए क्या खूबसूरती इस विला की यहाँ पे आपको दिखाई देने वाली, काफ़ी स्पेसियस और फुली वेंटिलेटेड ये विला आपको यहाँ पे मिलने वाला है। अब आइए चलते हैं ऊपर की तरफ, वहाँ देखते हैं कि कैसे क्या चीज़ें बनी हुई है। तो स्टेयर्स जो है काफ़ी अच्छे कॉम्बिनेशन के साथ स्टेयर्स यहाँ पे बनाई गई है जिसका लुक एक बार दिखाते हुए लेके आइएगा। ऐसे इसकी रेलिंग के साथ प्यारे सा लुक के साथ ये आपको यहाँ पे दिखाई देने वाली है। यहाँ पे देखिए फिक्स ग्लास लगा के काफ़ी अच्छी खूबसूरती बढ़ाते हैं फ्रंट एलिवेशन की। देखिए स्टेयर्स का जो है ना यहाँ पे जो आप देख पाएंगे स्टेयर्स की जो अगर जगह की बात करूँ तो काफ़ी कम जगह में स्टेयर्स यहाँ पे तैयार की गई है। इसकी वजह से फ़ायदा ये हो जाता है कि यहाँ पे देखिए प्यारा सा स्पेस आपको निकल के यहाँ पे मिल जाता है। इसमें अगर आप चाहें झूला वगैरह लगाना शाम के टाइम यहाँ बैठ के टी कॉफ़ी अगर आप इन्जॉय करते हैं काफ़ी अच्छा है, आपको यहाँ पे प्रीमियम फील होने वाला है। सामने की तरफ बसावट आप देख पा रहे हैं कम्प्लीट ही बसावट आपको यहाँ पे मिलने वाली है। और इस तरफ देखते हैं हम तो यहाँ पे बड़ा सा एक विंडो है सामने की तरफ और यहाँ पे मिल जाता है आपको जैसे एंटर करते हैं ये गेस्ट रूम या फिर ड्राइंग एरिया फिर या ड्राइंग रूम के हिसाब से आप इसको यहाँ पे बना पाएंगे। और इस तरफ देखते हैं तो इसमें भी यहाँ पे प्यारा सा कवर्स का डबल स्पेस आपको मिलता है और ऊपर की तरफ फुल सीलिंग का लुक वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से काफ़ी रंग बिरंगी लाइट के साथ आपको यहाँ पे बना के दिया गया। फिर देखिए इसमें देखिए डिफरेंट आज तक जो है काफ़ी डिफरेंट डिज़ाइन का ये विला मेरे को लगा, जयपुर के अंदर मैंने काफ़ी वीडियोस बनाए बट ये एक बिल्कुल अलग डिज़ाइन मेरे को यहाँ पे देखने को मिली। दोबारा से यहाँ पे काफ़ी बड़ा स्पेस आपको मिलता है, देखिए स्पेस देखिए काफ़ी लंबा चौड़ा स्पेस यहाँ पे निकाल के दिया गया है। पीछे जाके कैमरामैन जी एक बार ऊपर से पूरी फॉल सीलिंग एक बार लुक दिखाइए, कितने प्यारे तरीके से फॉल सीलिंग का लुक भी आपको यहाँ पे दिखाई देने वाला है। और सामने की तरफ बात करें यहाँ पे तो यहाँ पे टीवी पैनल का प्यारा सा स्पेस यहाँ पे बना के दिया गया जो कि वुडन का यहाँ पे पूरा काम किया गया है। और इस तरफ देखते हैं तो यहाँ पे एक वॉशरूम अगेन जो कि एक बार दिखा दीजिए, यहाँ पे भी टाइल्स वगैरह का वर्क काफ़ी अच्छा है, वेस्टर्न सीट यहाँ पे लगा के दी गई है और वेंटिलेशन के लिए पूरा परफेक्ट ध्यान यहाँ पे भी रखा गया है। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ तो यहाँ पे दो अगेन किचन आप एक और किचन आपको मिल जाती है। देखिए पोर्शन अगर आप चाहें रेंट आउट करना है एक पोर्शन तो रेंट आउट आप कर पाएंगे क्योंकि सेपरेटली सभी चीज़ें ऊपर की तरफ यहाँ पे डिज़ाइन की गई है। यहाँ पे भी एल शेप में आपको किचन का स्पेस मिल जाता है, टाइल्स का वर्क यहाँ पे भी काफ़ी हाइट तक दिया गया है और फुली मॉड्यूलर किचन आपको यहाँ पे भी बना के दिया गया है। सामने की तरफ विंडो का प्रोविजन भी आपको दिखाई देने वाला है। फिर इस तरफ देखते हैं तो यहाँ पे एक और बेडरूम, अगेन आपको बेडरूम मिलता है। इस बेडरूम में देखते हैं तो यहाँ पे प्यारा सा इस पर भी वॉल पेंटिंग का वर्क किया गया है और कबर्ड्स का स्पेस यहाँ पे भी आपको निकाल के दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पे कूलर वगैरह रखने के लिए यहाँ पे भी स्पेस आपको बना के दिया गया है। वैसे तो एसी फिटिंग हर जगह जहाँ जहाँ नीड है एसी फिटिंग आपको मिली जाती है। और वॉशरूम की बात की जाए तो यहाँ पे अगेन आपको एक अटैच वॉशरूम मिल जाता है, यहाँ पे भी टाइल्स वगैरह कॉम्बिनेशन देखिए काफ़ी प्यारा है, साथ में वेस्टर्न सीट लगा के दी गई है और सफोकेशन ना हो इसका भी हमें पूरा परफेक्ट ध्यान रखा गया है। तो फ्रेंड्स अभी हमने जो देखा, देखिए साइज़ की अगर मैं बात करूँ तो जो साइज होने वाली है वो लगभग 16x70 की साइज होने वाली है, यानी कि लगभग 125 स्क्वायर यार्ड के आसपास की साइज़ यहाँ पे होने वाली है। सेपरेट पट्टा है, लोनेबल प्रॉपर्टी है, SBI से भी लोनेबल हो जाएगी, कोई प्रॉपर्टी में कोई लोन में कोई दिक्कत यहाँ पे बिल्कुल भी आपको नहीं आने वाली है। साथ ही बात करें लोकेशन बहुत प्यारी मेन अजमेर रोड से, यानी अगर मैं मेन 200 फुट बाईपास से बात करूँ तो मात्र 1.25 किलोमीटर दूरी पर लोकेशन होने वाली है, बहुत ही प्रीमियम लोकेशन है। प्राइस की अगर बात करें अनबॉक्सिंग करते हैं प्राइस को 75 लाख इसकी यहाँ पे प्राइस रखी गई है। ZD अप्रूव प्रॉपर्टी आपको मिल जाती है और बहुत ही खूबसूरत, मेरे को पर्सनली बहुत खूबसूरत ये प्रॉपर्टी लगी। तो एक बार विजिट करना ना भूलें, विजिट जरूर कीजिए, एक बार विजिट करके देखिए कि कैसे क्या आपको लगती है प्रॉपर्टी। बाकी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन मेंशन कर दूंगा, जो बिल्डर उनके नंबर आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे, वहाँ जाकर डायरेक्टली कॉल भी कर पाएंगे, अधिक जानकारी भी आप वहाँ से प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन अंत में दोबारा कहूँगा चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं फिर एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।